स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। विपक्ष पर बरस गए केशव मौर्य। सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी तथा सभी विधायकों ने कहा विकास ही हमारा लक्ष्य। बांदा उप मुख्यमंत्री दर्जा प्राप्त भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता केशव प्रसाद मौर्य का आज जनपद के जीआईसी मैदान में जनसभा का कार्यक्रम था, जिस पर काव्यांजलि आज के विगत वर्षों के बाद कार्यक्रम का आयोजन सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के द्वारा आयोजित कराया गया, जिसमें शिरकत करते हुए श्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने वक्तव्य में जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। बसपा और सपा द्वारा किए गए तारों को निशाने पर रखते हुए कांग्रेस के दुष्प्रचार और जनता को गुमराह करने के कारनामों को उजागर करते हुए कहा कि भाजपा योगी जी के नेतृत्व में विकास कार्य हो इस जनपद को 350 करोड़ की योजनाएं देते हुए उनका शिलान्यास किया है। इतना ही नहीं, जो कि लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री ने भी कहा कि जनपद बांदा में विकास को गति देने के लिए 325 करोड़ रुपए शीघ्र ही योजनाओं के अनुरूप अवमुक्त किए जाएंगे। यदि कैबिनेट मंत्री द्वारा केन बेतवा परियोजना, राजापुर लिफ्ट परियोजना के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया, कैबिनेट मंत्री द्वारा जीआईसी मैदान में हजारों की संख्या में एकत्र कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीब मजदूर और किसानों के जीवन को उन्नति देने के लिए कृत संकल्प है। इस कार्यक्रम में बांदा चित्रकूट व बांदा महोबा के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल व आर के पटेल तथा मंडल के लगभग सारे विधायक और संगठन के पदाधिकारी गण मौजूद रहे। जिला संवाददाता इबाक सिद्दीकी की रिपोर्ट।